अभी आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ओरायन जी कैसे निकालते हैं, इसको पकड़ लीजिए 3 और एक छोटा बॉक्स बनाइए जिसमें ये लिखिए, ये 1 - 2 - 3 - 1। फिर इसको पकड़ लीजिए बीच वाले को, बट इसको पकड़ने से पहले बीच में एक माइनस लगाइए -4 और फिर एक छोटा बॉक्स बनाइए जिसमें जिसमें आपने इसको पकड़ा -4 को पकड़ा, तो -4 के बाहर मतलब इसके बाहर प्लस होगा, इसके बाहर माइनस होगा, इसके बाहर प्लस होगा, तो ये +3 है, ये माइनस ऑफ -4 है। ये लाइन और ये लाइन को छोड़ के जो यहां लिखा हुआ है 1 - 2 - 1 - 2 - 1 इसको लिख दीजिए प्लस, फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए, ये और ये छोड़ दीजिए 1 - 1 - 2 - 3 इसको मैंने लिया 1 - 1 - 2 - 3 लिख दिया। और आई जी यहां तक समझ आया? हाँ सर समझ। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये साइड से मैं नीचे जाऊंगा और जब नीचे जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव रहूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बी 1। ये साइड से मैं ऊपर जाऊंगा, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं यहाँ नेगेटिव लिखूंगा एंड आई विल राइट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and -2 विच विल बी -6। और आई जी कोई डाउट है? नहीं सर। फिर से देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया +4, बट दिस +4 विल रिमेन आउटसाइड। अंदर मैं क्या करूंगा, जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव रहूंगा, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं नेगेटिव रहूंगा, और मैं ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -4। राइन जी को डाउट है? नहीं सर। फिर से देखिए, 5 नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 - 1 + 6 + 4 - 1 + 4 + 5 - 3 विच इज इक्वल टू 21 + 20 - 15। और आंजी को डाउट है? सर वो 3 - 2 होगा सर ना लास्ट वाले में, कहाँ पर जो आपने 3 - 6 किया 3 - 2 होगा सर, कि वो 2 into -1 -2 होगा सर ना वो ऊपर 3 - 2 होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, ये 3 - 2 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। प्रांजी को डाउट है? नहीं सर समझे। ओके, एक और एग्जांपल ले लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास है 2 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 3। इसका वैल्यू निकालना है मुझे। इसके वैल्यू निकालने के लिए सबसे इजी है, आप यहाँ प्लस माइनस और प्लस ऑलरेडी मार्क कर लीजिए। और ऐसी बात समझ आई? हाँ सर। उसके बाद क्या कीजिए, ये +2 को ले लीजिए, एक छोटा बॉक्स बनाइए, छोटे बॉक्स में इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए। जब आप इन दोनों को इग्नोर करेंगे तो ये बचेगा, ये जो बचेगा इसको यहाँ लिख दीजिए 2 - 3। यहां तक समझ आ? हाँ सर। फिर आप इसको लीजिए -1 और फिर आप क्या कीजिए, इसको और किसको इग्नोर कर दीजिए और 1 - 1 - 2 - 3 को छोटे बॉक्स में लिख दीजिए, 1 - 1 - 2 - 3 को छोटे बॉक्स में लिख दीजिए। और आंजी बात समझ आ रही? हाँ सर समझो। फिर आप क्या कीजिए इसको ले लीजिए
ये प्लस है तो ये माइनस थ्री ही रहने वाला है। मैं इसको और इसको इग्नोर करूंगा, वन टू टू वन लिखूंगा, वन टू टू वन लिखूंगा। और आई बात समझ आई? हाँ सर। दिस विल बी इक्वल टू सिक्स माइनस वन माइनस वन, थ्री माइनस टू माइनस थ्री, वन माइनस फोर, वन माइनस फोर। एनी को डाउट नहीं सर। ये जो है ये आपके क्लास इलेवेंथ का कोर्स है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ सर। ये क्लास इलेवेंथ की मैथ्स की बुक है और ये इसका होमवर्क मिलेगा आज आपको, वो करना है आपको। पार्ट वन है कि टू है सर? सर मैं इलेवेंथ में सिर्फ एक ही पार्ट है, ओनली वन पार्ट। नहीं बुक्स दो। हाँ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये पार्ट वन है यार, सॉरी। ओके सर, पार्ट वन। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अगर एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये देखिए, अगर मैंने इसको करना है तो मैं इन शॉर्ट आपको करके दिखाता हूँ, एक दो स्टेप्स मिस कर दूंगा। पहले मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, ए लूंगा और छोटे बॉक्स में क्या लिखूंगा? और सर बी एफ एफ सी। बी एफ एफ सी, ओके। माइनस माइनस एच, फिर एच एफ जी सी, प्लस जी एच बी जी एफ। बात समझ आ गई? हाँ सर। ये एक्सरसाइज 4.1 में मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा जो आपने करना है, वो मैं ओके सर, वो मैं आपको व्हाट्सएप को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैथ्स, ओके सर, ये मैथ्स के सिलेबस में भी आता है। तो फाइनली मिस्टर ओरायन, ये हमने कल किया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किया। स्केलर प्रोडक्ट जहां पर भी लिखा, स्केलर प्रोडक्ट जहां पर भी लिखा रहेगा, दैट इंप्लाइज डॉट प्रोडक्ट। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, बोलिए सर, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आने वाला है? स्केलर। यस सर। आपने ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर लिया, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिया तो आंसर क्या आ गया? स्केलर। स्केलर। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। मिस्टर चिराग को जगाते हैं। चिराग जी बताइए जरा, कोई फिजिक्स में फॉर्मूला जिसमें स्केलर प्रोडक्ट यूज होता है? सर वर्क डन। बस वर्क डन इज इक्वल टू, राजी बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गुरुजी वेक्टर्स कर रहे हो, क्या लिखोगे? एफ इनटू डी। एफ इनटू लिखोगे? सॉरी एफ डॉट डी। अबे 11 12th में हो यार आप, cos theta नहीं आएगा? I'm sorry cos theta यार, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेम डायरेक्ट स्केलर है तो डायरेक्शन शुरू करूंगा, मैं शुरू करूंगा फॉर्मूला तो मैं ये लिखूंगा ना, उसके हां आई विल राइट इट एज f का d का cos of theta बिटवीन देम। यस सर, नो सर? यस सर। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा कि मेरा फोर्स जो है वो 3i प्लस 2j माइनस k न्यूटन है और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो i प्लस j माइनस k, यूनिट क्या आएगा मिस्टर चिराग? सो जूल्स। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। सो वर्क डन, ओ सॉरी डिस्टेंस मीटर्स, सॉरी सर। तो वर्क डन कैसे निकालूंगा मैं? 3i plus 2j minus k
डॉट आई प्लस जे माइनस के। और ऑरेंज जी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसको निकालना यूजली आसान होता है क्योंकि इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है 3 + 2 + 1। और आज भी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर समझा। और आज मुझे एक बात बताइए, आपने प्लेलिस्ट में ये सारे देखे हुए ना, उसमें डिटेल्स में, डिटेल में बताया काफी ज्यादा। हाँ सर देखे है, आई गेस लास्ट का एक हाथ बाकी है सर, आई गेस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, वहाँ काफी डिटेल में बता दूँ। हाँ सर नहीं समझ आ रहा। समझा सर। So the point that we are making is कि scalar product जब vectors का होता है उसका मतलब ये होता है कि ये vector है, ये vector है, but ये scalar है। ये scalar, आप दो vectors को two vectors लेके आप scalar बना रहे हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम किया, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। और अगर आप वो लेक्चर ध्यान से देख रहे थे तो आपको ये भी समझ आया होगा कि हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और जी याद है नहीं याद? हाँ सर याद है। ये देखिए ये cos थीटा निकल रहा है क्योंकि आप a डॉट b कर रहे हो, a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ p cos थीटा। और cos थीटा जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? a डॉट b डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। हुसैन जी सुन रहे हो? सो गए? सुन रहा हूँ। चिराग जी बात समझ आ रही? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल यही जो क्वेश्चन आप कर रहे थे, यही क्वेश्चन जो आप कर रहे थे एफ डी, अब इसी में अगर मुझे एंगल निकालना है, अब आजी कैसे निकालूंगा मैं? अगर इफ आई वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन एफ एंड डी तो कैसे निकालूंगा? तो ये एंगल कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ इनटू डी अपॉन दिस एफ का मैग्नीट्यूड एंड डी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि सर ये जो कॉस थीटा है ये cos theta आप कैसे निकाल सकते हैं? आप f.d का जो आंसर आपका आया वो 6 आया था। सारी नहीं आ रही? मिस्टर ओरायन सिराज जी बात समझ आ रही? हाँ सर। f.d का जो आपका आंसर आया था वो 6 आया था, तो 6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आएगा? 4 + 1 √14। और मैग्नीट्यूड ऑफ डी क्या आएगा? √3। और हुसैन साहब थीटा कैसे निकलेगा? cos inverse 6 upon 4 = 12 √42। चिराग जी नहीं समझ आया? समझा। तो डॉट प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सब हम स्किप मार रहे हैं, बट अबाजी ये देखिए, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर आपका वेक्टर है, ये देखिए ये अगर आपका वेक्टर है तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है और Z एक्सिस के साथ एंगल गैमा बना रहा है। अब आज बात समझ आ रही? हाँ सर। और ये जो निकलेगा, ये जो एंगल निकालने भी आपको आने चाहिए और वो हमारी अलग डिस्कशन चलेगी जिसमें हमारा हेल्प करेगा हमारा प्यारा यूनिट वेक्टर, वो अलग डिस्कशन चलेगी क्योंकि वो हमें ज्यादा फिजिक्स में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अलग हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। तो फाइनली मिस्टर ओरायन ये देखिए, ये है वेक्टर प्रोडक्ट।
प्रांजी पहले तो ये फॉर्मूला नोट कीजिए जरा। हाँ सर नोट कीजिए, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। ए इसको बोलते हैं क्रॉस, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और साथ में हमारा प्यारा दोस्त यूनिट वेक्टर। पहले फॉर्मूला लिखिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लिख लिया सर। लिख लिया सर। हाँ सर फॉर्मूला देखिए क्या समझ आया। सर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें लाइक साइन थीटा लगता है मैग्नीट्यूड के साथ, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साइन थीटा लगता है। इसका मतलब क्या हो? और क्या डिफरेंस नजर आया आपको? सर वो क्रॉस था उसमें डॉट था पहले वाले में। ओके और क्या डिफरेंस? देखिए सर एक तो यहाँ क्रॉस है, दूसरा डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा, और एक और सर एन कैप लगा है। एक और इम्पोर्टेंट है चीज जो है वो है ये यूनिट वेक्टर। एन कैप जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसीलिए हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया। और जी यहाँ पे बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। तो इसको भी डिटेल में अभी करेंगे बट उससे पहले थोड़ा सा एलिमेंट्री सी बातें समझिए। ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है। अगर कहीं लिखा हुआ है ए क्रॉस बी तो आप क्या राइट हैंड यूज कीजिए, ए से बी की तरफ आपकी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल कीजिए तो आपका जो थंब है वो ओरियन जी किस साइड पॉइंट कर रहा है? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। अब क्या कीजिए, राइट हैंड से ही बी क्रॉस ए कीजिए। कहने का मतलब आपकी जो फिंगर्स हैं वो बी से स्टार्ट होके ए की तरफ जानी चाहिए तो आपका थंब किस साइड पॉइंट कर रहा है? नीचे। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो सिंपल चीजें समझिए कि ए क्रॉस बी जब मैं करता हूं तो मेरा जो थंब है इस केस में ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बी क्रॉस ए करता हूं तो मेरा जो थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट करता है। तो कहने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन वेदर आई एम डूइंग ए क्रॉस बी और आई एम डूइंग बी क्रॉस ए। और आई जी बात समझ आई कि नहीं है? समझा सर। तो वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि दो क्वांटिटीज दी हुई है। लेट अस अज्यूम ऐसा कोई फॉर्मूला आपको घूमते फिरते फिजिक्स में नजर आया। चला दिए फॉर्मूला ठीक है? अब आज हाँ सर ये मिस्टर अब्बास क्या है, ये क्या है और ये क्या है? सो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ओके डब्ल्यू ओमेगा डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी है यार ये ओमेगा है डब्ल्यू मत बोलो अच्छा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बाकी क्लास में डिस्कस हुआ है। हाँ सर आर वेक्टर क्या है? सर ये डिस्टेंस पोजीशन। तो लेट अस अज्यूम कि हमें कहीं फिजिक्स में घूमते फिरते ये फॉर्मूला मार्केट में मिल गया बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये मल्टीप्लाई नहीं है ये क्रॉस है। तो एक चीज तो आपको ये समझ आती है मिस्टर ओरायन कि
ये वेक्टर है और ये मिस्टर ओराइन क्या है? मिस्टर ओराइन हाँ सर, हाँ सर, ये दोनों वेक्टर है और ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट सर। और वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, ये वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर है सर, वेक्टर ही है सर। एक बात तो आपको ये समझ आई कि वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर मिलके एक तीसरा वेक्टर बनाते हैं। सर बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? समझा सर। सर ये जो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जो यहां लिखा हुआ है और ये जो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, इन दोनों में एक एलिमेंट्री डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या मिस्टर ओराइन? सर कि ये जो पहला वाला है वो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, दूसरा वाला क्रॉस प्रोडक्ट है सर। उस डॉट में सर, सर डॉट प्रोडक्ट में वो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर है, और क्रॉस वाले में दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर है। क्या? अरे डॉट में स्केलर है। मतलब स्केलर से वही बोला मैं, डॉट में स्केलर है और क्रॉस में वेक्टर है। वेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बहुत ज्यादा, और कई बार आपको ये जो डिफरेंस है काफी बचा लेगा। आपने दो क्वांटिटीज ली, अगर आपने ये वेक्टर लिया और ये वेक्टर लिया, आपने ये वेक्टर लिया और ये वेक्टर लिया, अगर आप यहां ये आपका आंसर आ रहा है और यहां पर आपका आंसर आ रहा है ये, तो मिस्टर ओराइन ये ठीक है या गलत है? सर गलत है। क्यों गलत है? इससे वो डॉट वाले में वो आर के ऊपर वो वेक्टर का सम नहीं रहेगा वो। सर ये वेक्टर हो नहीं सकता यहाँ पर। हाँ, सर स्केलर होगा सर वो। यहाँ पर कोई नंबर आना चाहिए। हाँ सर। और ये गलत क्यों है? कि सर उसके बाजू में वो दो लाइंस नहीं आएंगे। अरे बाजू की लाइंस मतलब ये मॉडुलस आ रहा है, ये कोई नंबर आ रहा है? हाँ वो मॉडुलस सर। हाँ यहाँ पर क्या आना चाहिए सर? कोई क्वांटिटी आनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल अभी वो था ना v is equal to omega r, वैसे क्वांटिटी नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? वेक्टर आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझ। भैया फीलिंग लेवल पे तो समझ आ रहा है, टेक्निकली समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ है, समझ है सर। वो तो फीलिंग लेवल पे तो आपको समझ आ रहा है, वो मैं समझ गया, वो आपको समझ आ रहा है। बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स एक वेक्टर बनाते हैं, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स एक स्केलर बनाते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? समझा सर। तो फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज विच एवर आर रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें वेक्टर आएगा, और फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज दे आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट प्रोडक्ट, उसमें स्केलर आएगा। स्केलर का मतलब इट विल बी अ सिंपल नंबर, और इस केस में जो आंसर है वो सम आई प्लस सम जे प्लस सम के आना चाहिए। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। ये पक्का समझ आ रहा है ना? मैं ऐसा तो नहीं, मैं अकेला ही बातें करता जा रहा हूँ टीवी के साथ? नहीं सर, समझ रहा, समझ रहा। और दूसरा वही हमारी 9th-10th की क्लास की, 9th-10th क्लास की जो फिजिक्स है, उसमें वेक्टर में दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए, और यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये नंबर दे ही देता है, और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा, अब उस फॉर्मूले को समझ लीजिए कि मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं, लेट अस अज्यूम मेरे पास वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k और दूसरा वेक्टर है i प्लस j प्लस k, इन दोनों वेक्टर्स का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। और आज बात समझ आई? हाँ सर। तो एक तो मुझे फॉर्मूला, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ये है जो आपने यहां बुक में लिखा था, ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सर आप क्या करो, ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और यहां पर आ जाता है कि एन वेक्टर। एन वेक्टर बेसिकली, अगर आप मेरी बात समझ, यूनिट वेक्टर,
ये जो पार्ट है ये पार्ट तो होगा, ये पार्ट तो होगा, मैं आप स्केलर नहीं लिखता, नंबर लिख लेता हूं, ये पार्ट तो होगा कोई नंबर, और वो नंबर मल्टीप्लाई होगा इस वेक्टर से, और फाइनली क्या बनेगा, एक वेक्टर। और आई जी नहीं समझ आ रहा? समझा सर। सो फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर मुझे यहां लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विच विल बी गिवन बाय 4 + 9 + 16, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विच विल बी गिवन बाय 1 + 1 + 1। ये मैं यहां लिख दूंगा, ये मैं यहां लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स एंड अ यूनिट वेक्टर। और आज की बात समझ आई नहीं है? समझा सर। और इसको निकालने का, ये सब तामझाम को निकालने का, ये सब तामझाम को निकालने का एक आसान सा मेथड सरकार ने बनाया, और वो मेथड क्या है, वो मेथड क्या है, वो मेथड है सर हमारा प्यारा डिटर्मिनेंट। कैसे, ये देखिए, आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, यहां लिखिए आई, यहां लिखिए जे, यहां लिखिए के, नीचे लिखिए 2, 3, 4, और साथ में लिखिए 1, 1, 1। और जी बात समझ आए? हाँ सर। तो बताइए कैसे सॉल्व करूं इसको, पहले तो मैंने प्लस लिख दिया सर। हाँ सर, फिर आए, फिर 3, 4, 1, 1, 3 - 4 डायरेक्ट लिख दो। हाँ सर चलेगा, 3 - 4। हाँ उसके बाद 3 - 4 माइनस जे, 2 - 4, 2 - 4 प्लस के, 2 - 3, 2 - 3, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j माइनस k। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, देखिए फाइनली ये जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, आपके पास एक वेक्टर। हाँ सर। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है, एक वेक्टर। वेक्टर सर, बात नहीं समझ आए सर? फिर वो साइन थीटा का रोल कहाँ पे आएगा सर? वो आ जाएगा, आपको ये बात समझ आएगी नहीं है? वो हाँ समझा सर, ये समझा, वो रोल भी मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट अस अज्यूम, एक और एग्जांपल ले लीजिए, आई माइनस जे प्लस के क्रॉस 2i - 2j + k। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट से इसका वैल्यू निकालनी है, पहले आई माइनस जे के, माइनस जाएगा ना? हाँ, माइनस मत लिखिए, इसके ऊपर लिखिए ऐसे प्लस माइनस प्लस। ओके तो ये आदत, ये हैबिट बना लीजिए ताकि आपका कुछ गलत ना हो। बोलिए उसके बाद क्या लिखो? तो फिर सर 2 - 2, पहले सर ये लिखोगे? अच्छा हाँ, 1 - 1, 1, फिर 2 - 2, 1। This will be equal to, equal to sir, I -1 + 2 - j, 1 - 2, plus k -2 + 2. समझा सर। हाँ सर।
देखिए सर, मेरे पास ये वेक्टर है आई प्लस टू आई प्लस थ्री जे क्रॉस टू आई माइनस जे प्लस फाइव के. अब इस पे मैं अपना वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता हूं, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड अ यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर कहां से आया? ये यूनिट वेक्टर आया सर, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है. तो फिंगर कर्ल करोगे तो सर किस साइड आएगा? सर ऊपर की तरफ, मतलब स्क्रीन के बाहर. ठीक है, ए क्रॉस बी, ये अगर थीटा है तो मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो बेसिकली स्क्रीन से बाहर निकलेगा, ये साइड एन, ये यूनिट वेक्टर निकलेगा. यहां तक आपको समझा सर? अब मैं सर आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझिए कि ओके, इसको ऐसे देखिए कि लेट अस अज्यूम हमने ये किया होता, इसका जो आंसर आया था वो आया था आई प्लस जे. ठीक है, अब देखिए जरा, ओके अब देखिए, ये जो है ये जो पोर्शन है इसको ये जो पोर्शन है ये तो मैंने डिटर्मिनेंट से निकाल लिया, डिटर्मिनेंट से मैंने इसका आंसर निकाल लिया. अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो है इस पे तो मैं ये अपना ए बी साइन थीटा एन वेक्टर लगा सकता हूं, और इस पे जब मैं लगाऊंगा तो ये क्या आएगा, रूट थ्री फोर प्लस वन रूट नाइन साइन थीटा एन वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे. और आज ठीक बात समझ आ रही जो मैं कह रहा हूं? हाँ सर समझ रहे. तो साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर वुड बी इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन थ्री रूट थ्री. मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर समझ रहे. ओके, अब थोड़ा सा मेरी बात समझिए, क्या इसके डॉट प्रोडक्ट से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं? हाँ सर. अगर आपने अभी निकालना है तो ये देखिए, दिस विल बी इक्वल टू टू प्लस वन अपॉन, नीचे तो हमारा मैग्नीट्यूड ही आने वाला है थ्री रूट थ्री, मेरी सारी नहीं आ रही, फोर सर अपॉन थ्री रूट थ्री. मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर समझ. इस कॉस थीटा से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर. यार कॉस थीटा मुझे दिया हुआ है, चलिए सिंपल ले लीजिए, लेट अस अज्यूम कि कॉस थीटा वन बाय रूट टू आता तो थीटा जो है वो 45 डिग्री आ जाता. यस सर? नो सर. मिस्टर ओराय? हाँ सर. ये जो 45 की वैल्यू है वो मैं यहाँ डाल देता 1 बाय रूट टू यूनिट वेक्टर एन आई प्लस जे अपॉन थ्री रूट थ्री कर देता, और एन वेक्टर की जो यूनिट वेक्टर एन की जो वैल्यू है वो मैं निकाल देता रूट टू अपॉन थ्री रूट थ्री आई प्लस जे. ओराय जी मेरी बात? हाँ सर. ये जो मैंने सारा तामझाम किया उसमें मैंने क्या किया, उसमें अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो वेक्टर्स, क्वेश्चन अगर ऐसे आता है जो, अब आजी आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर. अगर क्वेश्चन ओरायन जी ऐसा आता है जो मैथ्स की प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है कि आपके पास एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है, दे लाई इन द प्लेन ऑफ, इस प्लेन में लाई करते हैं, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो अगर मुझे बात अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये यूनिट वेक्टर अगर मैंने निकालना है तो उसका स्टाइल क्या है. सर नहीं समझ में आया?
समझा सर समझा सर सर और आई जी बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी फिजिक्स में जो प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम है वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वो तो एनीवेज आप डिटरमिनेंट लेके आई जे के डिटरमिनेंट लेके वो वेलोसिटी आप निकाल लेंगे। अब बाज जी का मैथ्स का क्वेश्चन आ सकता है कि सर आई हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane consisting of the two vectors A and B. Sir, बात समझ आई नहीं है? हाँ सर। सर एक बार आप एक्सप्लेन करोगे आप? ओके। ये सर आपका मैथ्स का क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका कहाँ पर हम यूज कराएंगे। क्वेश्चन ये बनता है सर, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन ये बनता है कि मेरे पास सर दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं। और आई जी बात समझ आए? हाँ सर। इस प्लेन में लाई करते हैं, इस प्लेन में लाई करते हैं, प्लेन पी में। Find a unit vector which is, unit vector बताइए which is perpendicular to the plane made by A and B. और आपकी क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाँ सर। तो वो निकालने के लिए, वो यूनिट वैक्टर निकालने के लिए मैं अगर A क्रॉस B यूज करता हूँ, तो अगर आप मुझे आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो बेसिकली दो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। एक यूनिट वेक्टर इस प्लेन के नीचे होगा और सेम यूनिट वेक्टर इसके ऊपर होगा। ये बेसिकली एक वेक्टर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और एक वेक्टर नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ये दोनों यूनिट वेक्टर है। और आज ये नहीं समझ में आया? समझा सर। अब आज ये नहीं समझ में आया? समझा। बाजी मैथ्स में हम ये बहुत डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ये फंडे पूरे क्लियर होने चाहिए आपको। ओके सर। और उसको निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास मुझे करना क्या है। जो दो वेक्टर्स मुझे दिए हुए हैं, जो दो वेक्टर्स मुझे दिए हुए हैं, वो दो वेक्टर्स का मैं डिटर्मिनेंट से ये वेक्टर निकाल लेता हूँ और यूनिट वेक्टर ये जो मुझे निकालना है वो ये सब काम धाम करके मैं यहां से निकाल सकता हूं। और आई थिंक 11th क्लास में फिजिक्स के लिए हमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि कहीं पर भी अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नजर आएगा तो उसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आई जे के, मतलब अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। अब ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, आई प्लस टू के क्रॉस आई माइनस थ्री जे। और आई जी बोलिए कैसे लिखूं मैं इसको? सर वन प्लस वन जीरो टू और वन माइनस थ्री जीरो। सर जीरो प्लस सिक्स माइनस जे माइनस जे जीरो माइनस टू प्लस के माइनस थ्री। हाँ सर। फिर सिक्स आई प्लस टू जे माइनस थ्री के। समझा सर। और देखिए बात समझिए, वो घूम फिर के वो सब चीजें वहीं पर आ रही हैं। कैसे आ रही हैं ये देखिए।
अब आज यहां देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि ये इलेवंथ वालों का तो यही काम था, फिजिक्स में इनको बस यही प्रॉब्लम आने वाली है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी आगे तक जाएगी। अब देखिए, अब आज समझिए, लेट अस अज्यूम ये एक वेक्टर है, वो ऐसे लाई कर रहा है आई प्लस टू के, दूसरा वेक्टर है वो ऐसे लाई कर रहा है आई माइनस थ्री जे, ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जो वेक्टर है कौन सा वेक्टर, सिक्स आई प्लस टू जे माइनस थ्री के जो है वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आज ये नहीं समझ में आया, समझा सर, ये जो वेक्टर है वो वेक्टर बेसिकली इस प्लेन के, कौन सी प्लेन, प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स, उसके परपेंडिकुलर है। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अगर इफ आई वांट टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, तो मैं ये इसकी हेल्प से भी इसकी हेल्प से भी यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं। अब आज कैसे सर, हम पहले वेक्टर का ये लेंथ, पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का ये डॉट, ये मॉड्यूलस निकालेंगे और उसको फिर इनटू साइन थीटा डॉट एन इज इक्वल टू ये इक्वेशन डालेंगे जो हम लोग को मिला, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उससे साइन थीटा का वैल्यू निकाल के हम लोग एन का वैल्यू निकाल सकते सर। ये वो भी एक मेथड है जो वह मेथड है, ये आपके सामने छोटा मेथड है, ये आपको समझ आया या नहीं है मैंने क्या किया? हाँ सर समझा। ये वेक्टर अगर है, ये वेक्टर जो है ये अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये जो मेरी प्लेन है इसके अगर ये वाला जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसी की डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आई विल जस्ट टेक अ इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं ना। नहीं समझ में आया सर? और अगर आपको और मेरी बात समझ आ रही है, तो यूनिट वेक्टर जो है वो इस साइड भी हो सकता है और एक इस साइड भी हो सकता है। yes, sir. तो इसी का अगर मैं माइनस करूं तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर निकल जाएगा। yes, चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ सर, मेरे को ये वापस रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बीच में, मतलब बहुत सारी। हाँ वो ठीक, वो आप देखिए, वो तभी रिकॉर्डिंग है, यही था। तो बेसिकली यार ये पूरे तामझाम हमने जो किया, पूरा जो तामझाम हमने किया, उसमें हमने क्या देखा कि यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, डिटर्मिनेंट 2 मिनट में देख लिया, और वेक्टर प्रोडक्ट। अब आज बात समझ आई? हाँ सर। हुसैन जी बात समझ आई? हाँ सर। तो ये देखिए, अब आज ये कह रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, वो यार एक ही न्यूमेरिकल, जैसे आप बता रहे थे ना, एक ही न्यूमेरिकल करने के आपके पास अलग अलग मेथड होंगे, वो किस रास्ते से आप जाना चाहते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो घूम फिर के जाएंगे बट पहुंच जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक और
इंटरेस्टिंग चीज जो बनती है इसमें, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बनती है वो ये बनती है कि अगर आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आता है तो उससे चिराग उसका मतलब क्या हुआ? हाँ सर, क्रॉस सो गए हो वैसे चिराग? नहीं सर, आवाज ही नहीं आ रहा है, ऐसे बीच में चले गए। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? थीटा कितना? सर क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा तो थीटा 90। अरे दादा, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, सॉरी थीटा जीरो एन वेक्टर। अब ये आपका जीरो आया तो मतलब क्या हुआ? साइन थीटा जीरो। नहीं समझ रहा, तो अब आज ही अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर्स पैरेलल हैं या जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो आप निकाल सकते हैं? हाँ सर। ओके यार, ये आपको आज अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस करने चाहिए आपको। ओके सर।